हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको कैन और कुड के बारे में बताया था कि कैन और कुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कैन और कुड का पास्ट, यानी कि उसका पास्ट। हालांकि कुड भी एक पास्ट ही है, बट आज जो पास्ट मैं बताऊँगा उसमें कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए, वो आज सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पिछली क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के इंग्लिश ट्रांसलेट देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा, अगर आपने बनाया है तो इससे मैच कर लीजिए और जहाँ पर भी गलती है वहाँ पर आप सुधार लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। कुड प्लस है प्लस वी थ्री, आप कुड की जगह कैन भी लिख सकते हैं, बट इसका इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं वो जानना जरूरी है। जब सेंटेंस के अंत में सकता था, सकते थे, सकती थी रहे, तो हम कुड हैव या कैन हैव प्लस वी थ्री का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कि कल मैं आ सकता था या कल मैं आ सका, दोनों के लिए हम अगर कुड ही बोलेंगे तो दोनों के हिंदी सेंटेंस के अर्थ में फ़र्क होता है कि नहीं? होता है। कल मैं आ सका मतलब मैं आ गया, आ पाया किसी भी तरह से, और कल मैं आ सकता था ये बताता है कि मैं आ सकता था लेकिन मैं आया नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो दोनों के अर्थ में अंतर हो गया, इसलिए सकता था, सकते थे, सकती थे के लिए पास्ट में अलग प्रबंध किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वह मेरी मदद कर सकता था, जब भी सेंटेंस के अंत में सकता था, सकते थे, सकती थी रहे, तो उसको हम कुड हैव या कैन हैव दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो हम कुड हैव प्लस वी थ्री का इस्तेमाल करते हैं। ही कुड हैव वी थ्री यानी जाना, मदद करना, मदद करना मतलब हेल्प होता है, और इसका जो वी थ्री होता है यानी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ही कुड हैव हेल्प्ड मेरी है तो मी। अभी हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी सकता था, सकते थे, सकती थी रहे, तो उसमें कुड हैव प्लस वी थ्री का इस्तेमाल कर देने का। ओके फ्रेंड्स, यही होता है। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो कभी भी जब सेंटेंस में दो दो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है ना, कुड प्लस हैव दो हेल्पिंग वर्ब है, तो जब किसी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होता है और उसका नेगेटिव बनाते हैं हम, तो पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लिखते हैं। सिंपल, ही कुड नॉट हैव हेल्प्ड मी। ओके फ्रेंड्स, ही कुड नॉट हैव हेल्प्ड मी। अभी इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में क्या से शुरू होता है, तो क्या से जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसकी इंग्लिश बनाने के लिए हम उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें कुड पहला हेल्पिंग वर्ब है, तो हम कुड लिखेंगे, कुड ही, फिर हैव हेल्प्ड मी, कुड ही हैव हेल्प्ड मी। अभी क्वेश्चन वर्ड हम लेते हैं, वह मेरी मदद कैसे कर सकता था, तो क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, हाउ कुड ही हैव हेल्प्ड मी। ओके फ्रेंड्स, आप ये याद रखना कि कुड की जगह हम कैन भी रखेंगे तो भी अर्थ इसका वही होगा, ही कैन हैव हेल्प्ड मी। ओके फ्रेंड्स, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, कैन की जगह कुड भी लगा सकते हैं, कुड की जगह कैन भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर है प्लस वी थ्री ज़रूर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। तुम दरवाज़ा खोल सकते थे, यू कुड हैव ओपन्ड द डोर। तुम दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे, यू कुड नॉट हैव ओपन्ड द डोर। क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते थे, कुड यू हैव ओपन्ड द डोर। ओपन का थर्ड फॉर्म होगा। ओके फ्रेंड्स, ओपन्ड। तुम दरवाज़ा कैसे खोल सकते थे, हाउ कुड यू हैव ओपन्ड द डोर। वह बुक ला सकता था, ही कुड हैव ब्राउट द बुक। वह बुक नहीं ला सकता था, ही कुड नॉट हैव ब्राउट द बुक। क्या वह बुक ला सकता था, कुड ही हैव ब्राउट द बुक। वह बुक कब ला सकता था, व्हेन
Could he have brought the book? तुम्हारे पिताजी मुंबई जा सकते थे. Your father could have gone to Mumbai. तुम्हारे पिताजी मुंबई नहीं जा सकते थे. Your father could not have gone to Mumbai. क्या तुम्हारे पिताजी मुंबई जा सकते थे. Could your father have gone to Mumbai? तुम्हारे पिताजी मुंबई कैसे जा सकते थे. How could your father have gone to Mumbai? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे. How could you have done this to me? वह नहीं तैर सकता था, यानी वह तैर नहीं सकता था. He could not have swum. तुम उस कुत्ते को जान से नहीं मार सकते थे. You could not have killed that dog. वह पेड़ पर कैसे चढ़ सकता था. How could he have climbed up the tree? तुम कैसे कूद सकते थे. How could you have jumped? क्या वह मेरे लिए कुर्सी ला सकता था. Could he have brought chair for me? क्या तुम मुझे पैसे दे सकते थे. Could you have given me money? उसकी मदद कौन कर सकता था. Who could have helped him? कौन सा आदमी तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता था. Which man can have done for you? Okay friends, तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए और बनाइए. बहुत ही अच्छा वे है, आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप इंग्लिश सीखेंगे. ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए. और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. और फ्रेंड्स वैसे लोगों तक जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, वैसे लोगों तक हमारा वीडियो शेयर भी किया कीजिए. ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.